बाबर आजम को विराट कोहली फैन की तरफ से काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। जी हाँ गाइस, आपको तो पता ही होगा विराट कोहली का वो रफ टाइम जहाँ पर वो 214 दिन तक विराट कोहली एक भी सेंचुरी नहीं लगा पाए थे। और उधर बाबर आजम जो कि रैंकिंग फर्स्ट पे आ गए थे और काफी ज्यादा सेंचुरी हिट कर रहे थे और टेस्ट में भी काफी अच्छी रैंकिंग थी उनकी और लोग उनको जान रहे थे, तो उसी टाइम बाबर आजम ने विराट कोहली के लिए ट्वीट किया था, दिस टू सेल पास स्टे स्ट्रॉन्ग हैशटैग विराट कोहली। और ये चीज दुनिया को काफी ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, एक प्लेयर का रफ टाइम चल रहा है तो दूसरा प्लेयर उसको सपोर्ट कर रहा है, पर धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि बाबर आजम ने उस टाइम ऐसा क्यों किया था। तो अब विराट कोहली के फैन ये एलिगेशन लगा रहे हैं उनपे कि अगर तुम्हें इतना ही विराट कोहली केयर थी, इतने ही तुम उनकी परवाह करते हो, तो जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती तो तुमने ना ही विराट कोहली को कॉन्ग्रेचुलेशन किया और जब विराट कोहली रिटायरमेंट लिया ना तुमने उसके ऊपर कुछ कमेंट किया ना ही कुछ बोला। आप तो तभी ट्वीट किए जब उनका खराब टाइम चल रहा था, आप तो दुनिया वालों को दिखाना चाहते थे कि अब वो सुपरियर नहीं रहे हैं, मैं सुपरियर बन गया हूँ और अब वो पहले जैसे प्लेयर नहीं रहे हैं। आप दुनिया का टेंशन अपने तरफ लेना चाहते थे इसलिए आपने वो ट्वीट किया था। और विराट कोहली फैन बोल रहे हैं कि बाबर आजम को करना मिला क्योंकि 616 दिन से बाबर आजम के बल्ले से ना ही कोई सेंचुरी और ना ही कोई हाफ सेंचुरी निकली है और वनडे और T20 में तो उनका डाउनफॉल चालू हो गया है। और गाइस, ऐसी और क्रिकेट की न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।